पॉइंट एक गिवन है इस पे एक्स वन वाई वन, एक पॉइंट गिवन है इस पे एक्स टू वाई टू, साथ में उसने कहा लाइन इज नॉन वर्टिकल मीन्स इट इज नॉट पैरेलल टू वाई एक्स, सो व्हाट विल बी द स्लोप ऑफ दिस लाइन, स्लोप का क्या फॉर्मूला होता है, टू पॉइंट में स्लोप कैसे निकालते हो, वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, दिस विल बी द स्लोप. नॉन वर्टिकल अगर आपको ना गिवन होता, मान लो वर्टिकल लाइन गिवन होता, फिर लाइन पैरेलल होनी थी, लाइन पैरेलल होनी थी तो एक्स टू माइनस एक्स वन सेम हो जाना था पॉइंट, तो डिनोमिनेटर क्या हो जाना था उसका, जीरो. ठीक है, तो स्लोप आ जानी थी नॉट डिफाइंड. किसमें, वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन. हाँ जी, इफ अ लाइन मेक्स एन एंगल अल्फा इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस देन द स्लोप इज गिवन बाय. क्वेश्चन नहीं सुना ना क्या, इफ द स्लोप ऑफ अ लाइन, इफ अ लाइन मेक्स एन एंगल अल्फा इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ एंटी क्लॉकवाइज एंगल अल्फा बन रहा है, देन द स्लोप ऑफ द लाइन इज गिवन बाय. स्ट्रेट फॉरवर्ड कंसेप्ट हैं, स्लोप विल बी गिवन बाय, एंगल गिवन होता है, स्लोप कैसे निकालते हो, टेन अल्फा, तो आंसर क्या आ जाएगा. हाँ जी, क्वेश्चन है इफ अ लाइन मेक्स एन एंगल अल्फा एंटी क्लॉक इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस देन द स्लोप ऑफ द लाइन इज गिवन बाय. ऑप्शंस, एंटी क्लॉकवाइज मींस अल्फा पॉजिटिव लेके चलोगे आप, अगर क्लॉकवाइज होता तो इधर फिर वो नेगेटिव लेके चलते, माइनस का लेके चलते. सो एम इज इक्वल टू टेन अल्फा. पॉइंट एक्स कॉमा वाई लाइज ऑन द लाइन विद स्लोप एम and through the fixed point x naught y naught if and only if its coordinates satisfy the equation y minus y 0 is equal to. आपको गिवन है द पॉइंट x comma y lies on the line with slope m, एक लाइन जिसकी स्लोप m है उस पे एक पॉइंट x naught y naught lie कर रहा है and the fixed and it is passing through the fixed point x naught y naught, x comma y is pe lie kar rahe and it is passing through a fixed point x naught y naught, then the if and only if its coordinates satisfy the equation y minus y zero is equal to. Question samajh aaya, एक पॉइंट x कॉमा वाई लाइन पे लाई करेगा जिसकी स्लोप m है, लाइन की स्लोप m है, इस पे एक पॉइंट x कॉमा y जो है लाई करेगा इफ एंड ओनली इफ ये x नॉट y नॉट जो पॉइंट है ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, इधर वाला पार्ट आपको लिखना है, m इंटू क्या फॉर्मूला लगाइए, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू स्लोप टाइम्स x माइनस एक्स वन, एक्स वन वाई वन की जगह उन्होंने x नॉट y नॉट दे दिया. ठीक है, ये सारे कंसेप्ट्स आपने किए होंगे. इफ अ लाइन विद स्लोप m मेक्स x इंटरसेप्ट d देन द इक्वेशन ऑफ द लाइन इज गिवन बाय, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है और x इंटरसेप्ट आपको गिवन है, y इज इक्वल टू m x माइनस डी, ये आपको अगर x इंटरसेप्ट गिवन है तो y इज इक्वल टू m इंटू x माइनस डी, y इंटरसेप्ट गिवन है तो y इज इक्वल टू m x प्लस c, जो भी इंटरसेप्ट गिवन है इट मींस वो वाला पॉइंट आपका ऐसे गिवन है, y इंटरसेप्ट मींस x इंटरसेप्ट आपका जीरो है, तो इक्वेशन क्या होती है आपकी y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1, जब आप ये लेके चल रहे हो इट मींस आपको क्या गिवन है, y माइनस c is equal to m times x minus x1 की जगह क्या है जीरो, तो यहां से सिंप्लीफाई करके क्या आ गया, y minus c is equal to mx, यानी कि y is equal to mx plus c, ये कब लेना है जब आपको y intercept given, जब आपको x intercept given है तो d comma zero हो गया,
So that will be y minus 0 is equal to m times x minus b. हाँ जी, y intercept मतलब y axis पे lie कर रहे हैं, x coordinate will be 0, x intercept means x axis पे lie कर रहे हैं, y coordinate will be 0. हाँ जी, c की सारी क्या values? Even, given, हाँ कुछ भी हो सकती है, कुछ भी. पैरेलल के लिए नहीं, ऐसे नहीं आएगा. यहाँ पे जब आप लेके चल रहे हो तो कैसे बनेगी लाइन? किसके पैरेलल कह रहे हो आप? एक्स एक्सिस के अगर लाइन पैरेलल होगी तो दैट विल बी ऑफ द फॉर्म वाई इज इक्वल टू ए. एनी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस इज ऑफ द फॉर्म, वो आप अपने उसके लिए ले सकते हो, पर उसमें फिर आपका ये एम बनेगा नहीं ना पैरेलल के अकॉर्डिंगली. परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी फ्रॉम एक्स वन वाई वन इज गिवन बाय, फॉर्मूला है ये भी डायरेक्ट. ये सारे टोटली आपके फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन हैं. परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ लाइन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी is equal to 0 from x1 y1. ax1 upon root a square plus b square. अब इसमें एक चीज का आपने ध्यान रखना है कि यहां पे ऐसे भी हो सकते हैं ऑप्शंस में, तो पॉजिटिव वैल्यू ही आपने वैसे तो लेके चल दिया, ठीक है? तो ये ध्यान रखना है. नेक्स्ट, डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस. लाइंस पैरेलल है तो एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट सेम होंगे. नाउ इफ यू हैव टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू देन क्या? सी वन माइनस सी टू या सी टू माइनस सी वन, उनके कॉन्स्टेंट्स का डिफरेंस डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. पैरेलल के बीच में सी वन माइनस सी टू, अगर लाइन आपको गिवन है वैसे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, एक पॉइंट से इसका डिस्टेंस निकालना है तो ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी इज इक्वल टू अपॉन में रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिडल पॉइंट ऑफ द पोर्शन ऑफ अ लाइन intercepted between the coordinate axis. Midpoint given है हमें of a line which is intercepted between the x both coordinate axis. Point given है हमें 3, 2, then find the equation of the line. हमें इस line की equation निकालनी है. Book का है ये question type. क्या करें? हाँ जी, एंड इट इज इंटरसेप्टेड, इंटरसेप्ट्स. हाँ, ये एक्स कॉमा जीरो हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? जीरो कॉमा वाई. अब ये मिड पॉइंट गिवन है तो यू कैन फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई. क्या आ जाएंगी? एक्स बाय टू इज इक्वल टू 3 और y 4 आ जाए. तो ये पॉइंट हो गया 6, 0 और ये पॉइंट हो गया 0, 4. अब टू पॉइंट्स ऑन अ लाइन आर गिवन, यू कैन फाइंड आउट इट्स इक्वेशन. क्या कंसेप्ट लगाओगे? हाँ, y माइनस y1 m कैसे निकालोगे? क्या आएगी? अब बताओ ये मैंने ठीक लिखा है? Is it correct? कहाँ? मैंने इसको x1 y1 लिया ना, y माइनस y1, तो ये आपका x2 y2 हो गया. तो y2 माइनस y1
अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, ठीक है, क्लियर? हाँ जी, एक बार दोबारा देख लो, हमें गिवन है द मिडल पॉइंट ऑफ अ लाइन इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिडल पॉइंट ऑफ द पोर्शन ऑफ अ लाइन इंटरसेप्टेड बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस. इंटरसेप्टेड बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस मींस इसका मिड पॉइंट, ठीक है, इतने पोर्शन का. ये 3.2 भी बने, इट मीन्स मैं ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट एज्यूम कर सकती हूँ. ये पॉइंट क्योंकि आपका एक्स एक्सिस पे है तो वाई कोऑर्डिनेट जीरो ले लिया, ये पॉइंट आपका वाई एक्सिस पे है तो एक्स कोऑर्डिनेट जीरो ले लिया. सो दिस इज एक्स जीरो, दिस इज जीरो वाई. अब मिड पॉइंट मुझे गिवन था तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाया एक्स वन प्लस एक्स टू बाई टू, वाई वन प्लस वाई टू बाई टू. तो हमारे पास एक्स की वैल्यू आ गई 6, वाई की वैल्यू आ गई 4. पॉइंट्स आ गए 6, 0 एंड 0, 4. अब किसी लाइन पे अगर मुझे ये दो पॉइंट्स गिवन है तो आई कैन फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ द लाइन. ये एक्स वन वाई वन ले लिया, ये एक्स टू वाई टू ले लिया. सो वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन. वाई टू माइनस वाई वन यानी कि 0 माइनस 4, माइनस 4 आ गया, अपॉन में एक्स टू माइनस एक्स वन यानी कि 6 माइनस 0, 6 आ गया. y माइनस वाई वन इक्वल टू एम टाइम्स एक्स माइनस एक्स वन. एक्स वन की वैल्यू क्या है? 0. अब इसको सिंप्लीफाई कर लो तो यू विल गेट योर आंसर. सो दिस विल बी योर आंसर, ठीक है. नाउ द नेक्स्ट वन, तीन लाइंस गिवन है हमें, एक्स प्लस टू वाई माइनस फाइव इक्वल टू जीरो, सेकंड है टू एक्स माइनस थ्री वाई प्लस फोर, और थर्ड है 6x + 4y - 13. ऑप्शंस हैं, दीज आर कॉन्करेंट, फॉर्म अ राइट एंगल ट्राइंगल, फॉर्म एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, फॉर्म एन इक्विलेटरल ट्राइंगल. कैसे? अच्छा, ओके, इतना बड़ा और क्या कर सकते हैं? परपेंडिकुलर और क्या कंडीशन गिवन है? कॉन्करेंट, फॉर्म अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल, फॉर्म एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, फॉर्म एन इक्विलेटरल ट्राइंगल. स्लोप्स से पहले क्या क्या चेक कर सकते हो? राइट ट्राइंगल और कॉन्करेंट, ठीक है. क्या आएंगी बताइए, फिर देख लेंगे. ना हुआ तो वर्टिसेस निकाल के चेक कर सकते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला से. क्या आएगा? स्लोप ऑफ ए बी माइनस 1/2 बी सी, BC एंड CA नेगेटिव रेसिप्रोकल्स हैं, स्लोप्स तो परपेंडिकुलर हो गए. BC इज परपेंडिकुलर टू CA, एंगल C क्या आएगा? सो दीज आर फॉर्मिंग अ राइट ट्राइंगल, ठीक है. हाँ जी बच्चे, इन दोनों के स्लोप्स का प्रोडक्ट लो. ये कैंसिल आउट हो गया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया. व्हाट वी आर लेफ्ट विद, इफ द प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप्स ऑफ एनी टू लाइंस इज इक्वल टू -1 देन द लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. अब लाइंस ये वाली परपेंडिकुलर है, उसके साथ नहीं बन रहा परपेंडिकुलर या पैरेलल का कांसेप्ट, तो दिस इज फॉर्मिंग अ राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है. नाउ द नेक्स्ट वन,
लाइंस ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इक्वल टू जीरो, ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इक्वल टू जीरो आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर इफ ए वन बी टू माइनस बी वन ए टू इक्वल टू जीरो, इफ ए वन स्क्वायर बी टू प्लस Which of the options will be correct? The two lines are perpendicular to each other if कैसे? हाँ, first की slope क्या आई? Second की minus हाँ ठीक है, ये आ गया. क्या गिवन है? परपेंडिकुलरिटी का हमने कंसेप्ट लगा दिया कि इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर देन द प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप्स इज माइनस वन. हाँ जी, अब यहां से ए वन ए टू अपॉन बी वन बी टू इक्वल टू माइनस वन आ गया, ए वन ए टू इक्वल टू माइनस बी वन बी टू आ गया, यानी कि a1 a2 प्लस b1 b2 इज इक्वल टू जीरो. मैंने शायद ऑप्शंस गलत लिख दिए. लास्ट ऑप्शन है ये a1 a2 यहाँ a. हाँ जी, माइनस नहीं ना लिया था तभी आपका यहाँ नेगेटिव आ रहा था. So, ये ध्यान से चेक करना ए वन बी वन कहाँ है, ए वन ए टू है, ए वन बी वन है, ये ऑप्शंस ध्यान से चेक करके मार्क करना. छोटी छोटी गलतियां होती हैं ये. द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू माइनस थ्री कॉमा टू एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालनी है विच इज पासिंग थ्रू माइनस थ्री कॉमा टू एंड कटिंग एंड इंटरसेप्ट इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ओपोजिट इन साइन. इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ओपोजिट इन साइन, यानी कि अगर एक इंटरसेप्ट ए है तो सेकंड विल बी माइनस. क्या आएगी इक्वेशन? इंटरसेप्ट दोनों गिवन है, इंटरसेप्ट फॉर्म यूज कर लोगे, क्या आएगी? ए की वैल्यू निकल आएगी एंड देन यू कैन गिव द इक्वेशन. क्या आएगी ए की वैल्यू? माइनस फाइव. तो इक्वेशन क्या आ जाएगी? एक्स माइनस वाई प्लस फाइव या इक्वल टू माइनस फाइव. सो दिस ऑप्शन विल बी योर आंसर. एक्स माइनस वाई प्लस फाइव इक्वल टू जीरो. इसमें जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस है ना वो छोड़ देना, एसर्शन रीजनिंग वाले उसमें देख लेना, अगर कोई सॉल्व करके वैसे बनता हुआ तो कर लेना, अदरवाइज ऐसे एसर्शन और रीजन की फॉर्म में नहीं आएंगे. अब नेक्स्ट है, इन व्हाट रेशियो डज द लाइन y माइनस एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो कट द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट थ्री कॉमा माइनस वन एंड एट कॉमा नाइन. टेंथ वाली टाइप का क्वेश्चन है. रेशियो निकालनी होती है तो क्या करते हो? टेंथ में किया हुआ है ऐसा क्वेश्चन, क्या करेंगे? हाँ जी, हाँ क्या आएगा? रेशियो मान लोगे के रेशियो वन
ये पॉइंट एक्स कॉमा वाई, क्या आएंगी वैल्यूज? कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी, टेंथ में किया हुआ है, हाँ, 8k प्लस 3 अपॉन k प्लस 1, ठीक है, डॉट कॉमा सेक्शन फॉर्मूला हम लगा रहे हैं, k इंटू एक्स 1 इंटू 3 अपॉन सम ऑफ रेशियो, फिर y कोऑर्डिनेट्स के लिए k इंटू 9 प्लस 1 इंटू माइनस 1 अपॉन सम ऑफ रेशियो। ये कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी आ गए। अब पी पॉइंट जो है वो इस लाइन पे लाई कर रहा है, तो इसको सेटिस्फाई करेगा, तो पी को जब आप इसमें पुट करोगे तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ के आफ्टर सॉल्व, क्या आएगा? वाई की जगह 9k माइनस 1 अपॉन के प्लस 1, एक्स की जगह 8k प्लस 3 अपॉन के प्लस 1 प्लस 2 एज इट इज, सो दिस इज 9k माइनस 1 माइनस 8k माइनस 3 प्लस 2k प्लस 2, एलसीएम ले लिया मैंने और ये डिनोमिनेटर उधर ले जाके 0। गॉट द स्टेप? हाँ जी, सेम है ना, तो 2 के साथ मल्टीप्लाई करके लिख दिया बच्चे, इसके नीचे मैंने 1 ले लिया, हाँ जी एलसीएम लिया, ठीक है, तो ये आ गया 9k माइनस 1 एज इट इज, ये दोनों नेगेटिव हो गए, बाहर माइनस का साइन था, प्लस 2 को जब आपने k प्लस 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2k प्लस 2 अपॉन में जो k प्लस 1 था वो इधर 0 से मल्टीप्लाई होके 0 हो जाए, तो मैंने वो भी नहीं लिखा, ठीक है। अब क्या आया यहाँ से, 3k केस 2/3, यानी कि रेशियो के आगे 2:3, ठीक है। ये होती है लैक ऑफ प्रैक्टिस। चले आगे, कर लो कर लो। आराम से 40 करने हैं ना, 40 क्वेश्चंस हैं आपको। मैथ्स में हर क्वेश्चन आपका 1 मार्क है, बाकी सब्जेक्ट्स में 0.8 के होंगे, मैथ्स में एक क्वेश्चन 1 नंबर का है। टोटल 40 क्वेश्चंस विल बी देयर, जिसमें से आपके 36 क्वेश्चंस नॉर्मल एमसीक्यूज होंगे, 1 केस स्टडी बेस्ड। उसमें एक आई है सैंपल पेपर में प्लस 2 के, तो हम 2 कैसे डाल दें? पेपर आपका टोटली जैसे सीबीएसई का पैटर्न है, इन दैट वे इट विल बी देयर, तो उसमें वैसे मतलब जो है आपकी चॉइसेस हैं, फर्स्ट सेक्शन में 20 में से 16 करने होंगे, सेकंड में 20 में से 16 है, थर्ड वाले में 10 में से 8 करने, पर अगेन इन द स्कूल यू डोंट गेट एनी चॉइसेस, तो टोटल जो 36 क्वेश्चंस हैं आपके वो, और 1 केस स्टडी बेस्ड है, तो 4 मतलब हो गए। हाँ जी, कैसे? चॉइस नहीं होगी, ऑप्शंस विल बी देयर, ए बी सी डी ऑप्शंस होंगे, उसमें से आपने टिक करना, चॉइस विल नॉट बी देयर, एंड दिस इज योर टर्म 1, तो ध्यान से करने हैं। ये मार्क्स आपके 20% फाइनल में ऐड होते हैं, सो डोंट टेक इट लाइटली, अदरवाइज आपका फाइनल का रिजल्ट जो है वो सारा स्पॉइल हो जाएगा। डू प्रिपेयर अकॉर्डिंगली, उसका भी 20%, 10% PT1, 20% PT2, 20% PT3, 50% PT4, टोटल प्लस 1 का रिजल्ट, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्ट्रेट लाइन एक्स प्लस 2 वाई माइनस 9 इक्वल टू 0 3x प्लस 5y माइनस 5 इक्वल टू 0 एंड ax प्लस by इक्वल टू 1
these are concurrent. If the straight line 35x minus 22y प्लस वन इक्वल टू जीरो पासिस थ्रू, आगे आपको ऑप्शंस गिवन है, ए बी बी ए ए कॉमा माइनस बी माइनस ए कॉमा बी। हाँ जी, क्या करेंगे? दीज थ्री लाइन्स आर कॉन्करेंट। इफ द स्ट्रेट लाइन 35x माइनस 22y प्लस 1 इक्वल टू 0 पासिस थ्रू द पॉइंट ए बी बी ए ए कॉमा माइनस बी एंड माइनस ए कॉमा बी, कॉन्करेंट के लिए क्या कंडीशन होती है? ऑल आर पासिंग थ्रू द सिंगल पॉइंट, इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट विल बी द पॉइंट फ्रॉम विच दिस लाइन विल पास। इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या आएगा? फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ x प्लस 2y माइनस 9 इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 5y माइनस 5 इक्वल टू 0। x और y की वैल्यूज बताइए, इनको सॉल्व करते हैं। हाँ जी, y 22, ओके, x ठीक है। अब ये x और y वाली वैल्यूज इसको सेटिस्फाई करेंगी, क्या आएगी? ये माइनस 35a प्लस 22b प्लस इज इक्वल टू 1। अब ये तीनों लाइंस कॉन्करेंट होंगी इफ 35x माइनस 22y प्लस 1 इज इक्वल टू 0 पासिस थ्रू। कॉन्करेंसी के लिए ये सेम बननी चाहिए, तो क्या पुट करें इनमें से पॉइंट की ये वैल्यूज बने। दिस कैन बी रिटन एज, यहाँ पे मैं इसको इक्वल टू माइनस 1 ले सकती हूँ, इसको माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दें, ओके, 35a माइनस 22b इज इक्वल टू 1, वहां पे माइनस 1 है, तो मुझे बच्चे ये बनाना है ना कि इनमें से मैं जब a और b पुट करूं तो मेरा जो है ये और ये वाली लाइंस की इक्वेशन सेम आए। अब यहां देखो, x की जगह a है, y की जगह b है, यानी कि x कोऑर्डिनेट शुड बी a एंड y कोऑर्डिनेट शुड बी b, ये ऑप्शन कैंसिल हो गए, ये सेटिस्फाई नहीं करेगी। अब रह क्या गया? a और b। अगर मैं a और b पुट करती हूँ तो मेरी इक्वेशन क्या बनती है? 35a माइनस 22b इक्वल टू माइनस 1, और मेरी इक्वेशन है क्या? माइनस 35a प्लस 22b इक्वल टू प्लस 1। इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो यू विल गेट द आंसर, तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। गॉट इट? क्लियर? सो विद दिस वी आर एंडिंग टुडेज लेक्चर। Rest of the questions we will do tomorrow. If any doubt is there in the last question, bache, you can unmute yourself and ask.